बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं पल्स ऑक्सीमीटर के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। ये टॉपिक उन स्टूडेंट के लिए है जो कि सब्जेक्ट रिलेटेड है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस और इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस में हम बहुत सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं ये छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, आपको जान के बहुत ही हैरानी होगी कि ये इंस्ट्रूमेंट भी कहीं ना कहीं हमारे जो हम इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, उसके लगभग लगभग रिलेटेड इसका प्रिंसिपल होगा। और उन पब्लिक के लिए भी है जो थोड़ा बहुत साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं कि सर ये छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है वो कैसे काम कर लेता है, कैसे आखिर ये हमारा सेचुरेशन लेवल बता देता है कि 98 है, 99 है, और जैसे ही 90 के अबो आता है तब हमें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं ये पल्स ऑक्सीमीटर जो है ये अभी COVID-19 पैंडेमिक में लगभग लगभग ऐसा कोई नहीं होगा जिस इंस्ट्रूमेंट को कोई जानता नहीं हो। तो आखिरकार इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसका जितना भी पैरामीटर आप देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे सेचुरेशन लेवल 99 आता है, PI इंडेक्स आता है, और हार्ट बीट को ये बेसिकली बताता है, और SpO2 लेवल आपका चेक करता है। तो इसके बारे में जो भी डिटेलिंग है, जैसे कि आप यहाँ पे कैमरे में देख पा रहे हैं, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है। इस वीडियो के एंड में वो आपको वीडियो भी मिल जाएगा, उस आइकन बार पर क्लिक करके आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ इसका वर्किंग प्रिंसिपल। देखिए, तो कहीं ना कहीं ये देखिए, ये जो पल्स ऑक्सीमीटर है बेसिकली, अब आपका इसका भी आपको आंसर मिल जाएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर जो पल्स ऑक्सीमीटर है वो कौन सी ब्रांड का लें, किस ब्रांड का बेटर रहेगा, बिकॉज ऑलमोस्ट जो पल्स ऑक्सीमीटर है वो सब चाइना मेड है, ठीक है ना। तो उसमें कोई पर्टिकुलर जो ब्रांड का कौन सा लेना, उसका भी आंसर जो है आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली हमको देखना होगा सर एक्चुअली यहाँ पे ये पल्स ऑक्सीमीटर जो है वो करता क्या है, वो करता क्या है, ऐसा क्या इसमें मेडिकल होता है, जादू होता है कि ये इक्विपमेंट जो हमारा सेचुरेशन लेवल देख लेता है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, देखिए यहाँ पे आपको एक रेड लाइट दिख रही है। क्या दिख रही है? रेड लाइट दिख रही है, और जैसे कि मेरा फिंगर टिप पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको रेड लाइट जो है वो दिख रही है। तो बेसिकली यहाँ पे एक रेड लाइट आपको दिख रही है, बाकी यहाँ पे एक और लाइट जो है वो अवेलेबल है जो कि इंफ्रारेड लाइट है। ये रेड लाइट और इंफ्रारेड लाइट, बेसिकली यहाँ पे दो टाइप की लाइट जो है वो अवेलेबल है। अब यहाँ पे इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, देखिए जैसे कि यहाँ पे सेचुरेशन लेवल हमारा बता रहा है वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं सेचुरेशन ऑफ पल्स ऑक्सीमीटर ऑक्सीजन की हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो बियर्स लैम्बर्ट लॉ है। जी हाँ, आपको सुन के बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा कि सर ये भी बियर्स लैम्बर्ट लॉ पे काम कर रहे हैं। ये बियर्स लैम्बर्ट लॉ वही है क्या सर जो हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ते थे? जी हाँ, लगभग लगभग जो बियर्स लैम्बर्ट जो है लॉ है उसमें क्या था सर, यहाँ पे हमारी लाइट सोर्स होती है सर, ये लाइट सोर्स है, इस लाइट सोर्स के बाद हम क्या करते थे कि सर यहाँ पे हमारा मोनोक्रोमीटर होता था, फिर सैंपल होता था और डिटेक्टर होता था। बट यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे लाइट सोर्स है, जैसे कि आपने देखा रेड लाइट और एक इंफ्रारेड लाइट, दो लाइट अवेलेबल होती। यहाँ पे मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ, जैसे कि ये मेरी फिंगर है, ठीक है, ये मेरी फिंगर है, यहाँ पे मैंने पल्स ऑक्सीमीटर जो है वो सेट कर दिया। अब बेसिकली आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक रेड लाइट नजर आती है। अब ये रेड लाइट के अलावा एक और लाइट जो है वो यहाँ पे अवेलेबल होती है, वो कौन सी है सर, ये IR रेडिएशन है, IR रेडिएशन है, इंफ्रारेड लाइट है, और सर ये जो है वो रेड लाइट है, ठीक है। अब ये जो रेड लाइट है ये कौन से नैनोमीटर की है सर, ये 660 नैनोमीटर की है। कितने नैनोमीटर की है? 660 नैनोमीटर है सर। 660 कैसे? जैसा कि हम जानते हैं 400 से लेकर 800 तक विजिबल जो रीजन होता है हमारा, तो रेड लाइट जो है वो हमको विजिबल है, तो विजिबल रीजन में आपको रेड लाइट मिल गई। अब 940 नैनोमीटर पे जैसे हम बाहर गए तो इंफ्रारेड रेड जो है रेडिएशन स्टार्ट हो गई, तो 940 नैनोमीटर पे इंफ्रारेड रेडिएशन जो है यहाँ पे लाइट अवेलेबल होती है। अब इसका बेसिकली प्रिंसिपल क्या है सर कि एक्चुअली जो हमारी फिंगर है, बेसिकली इसमें टू टाइप के ब्लड जो है अवेलेबल है, एक तो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और दूसरा कौन सा है रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन ब्लड, ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन और रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन। तो यहां पे देखिए वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि जैसे ही मैंने फिंगर ट्रिप रखी तो यहां पे मेरे ब्लड सर्कुलेशन में जो ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन है, उस लाइट को एब्जॉर्ब कौन करेगा, IR रेडिएशन जो है वो ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन को, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगी, और जो रिड्यूस हीमोग्लोबिन है वो जो है रेड लाइट एब्जॉर्ब करेगी।
तो यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर आपको हो रहा है तो यहां पे हम कंप्लीट कर सकते हैं इस कंफ्यूजन को कि सर रेड फॉर रिड्यूस, ठीक है, ये याद रख सकते हो आप लोग कि रेड फॉर रिड्यूस मतलब रेड लाइट जो है वो रिड्यूस ऑक्सीजनेटेड रिड्यूस हीमोग्लोबिन को एब्जॉर्व करेगा और इंफ्रारेड जो है वो ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन को एब्जॉर्व करेगा। तो जैसा कि हमारा प्रिंसिपल था, यहां पे क्या होगा कि सर यहां पे फोटो लाइट इमिट हो रही है और यहां पे एक डिटेक्टर लगा हुआ होता है जो कि इस लाइट में जो लाइट एब्जॉर्व करने के बाद जो लाइट बाकी रही वो डिटेक्टर हमको डिटेक्ट करके आइडेंटिफाई कर सकता है, ठीक है। तो बस यही प्रिंसिपल है इसका, ये फिंगर ट्रिप है हमारी, आईआर रेडिएशन जो है उसने ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन को एब्जॉर्व किया, रिड्यूस हीमोग्लोबिन जो है रेड लाइट के थ्रू एब्जॉर्व हुआ, उसके थ्रू हमको पता चल गया कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन में रिड्यूस हीमोग्लोबिन कितना है और ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन कितना है, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं इसके वर्किंग प्रिंसिपल की तो वर्किंग प्रिंसिपल जो है इसका वो बीयर्स लैम्बर्ट लॉ ही है। अब मैं इस इंस्ट्रूमेंट को जो इक्विपमेंट है इसको स्टार्ट करके आपको बताऊंगा। वैसे तो बेसिकली मैंने यहाँ पे बहुत सारे इसके एक वीडियो और बना के रखा है मैंने, ठीक है, उसके ऊपर मैंने बात कर चुका हूँ मैं, बट आज हम जो डिस्कस करेंगे उसके बारे में बताऊंगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, देखिए रेड लाइट आपको दिख रही है, ठीक है, तो यहाँ पे रेड लाइट आपने देखा, उस रेड लाइट के ऊपर जो है डायोड लगा हुआ है, फोटो इमिटर डिटेक्टर लगा हुआ है, क्या होगा ये लाइट आई, इस लाइट ने जो क्या किया सर, इंफ्रारेड, यहाँ पे एक और लाइट है इंफ्रारेड रेडिएशन और रेड लाइट, ठीक है, तो रेड लाइट ने क्या किया सर, रेड लाइट ने रिड्यूस ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन को एब्जॉर्व किया और इंफ्रारेड रेडिएशन ने क्या किया सर, उसने ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन को एब्जॉर्व किया। एब्जॉर्व करने के बाद जो यहाँ पे डिटेक्टर लगा हुआ उसने जो लाइट एब्जॉर्व हुई उसके बाद में जो डिटेक्ट करके आपको आइडेंटिफाई कर दिया और आपका जो सेचुरेशन लेवल है वो आपको बता दिया, ठीक है। तो कुछ इस हिसाब से वर्किंग प्रिंसिपल जो है इस पल्स ऑक्सीमीटर का होता है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे आपको शो हो रहा है, यहाँ पे 96 मेरा ऑक्सीजन सेचुरेशन बता रहा है, 97 आ गया। अब पीआई बोले तो क्या, परफ्यूज इंडेक्स, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, परफ्यूज इंडेक्स बोले तो क्या, जो ब्लड कैपिलरी से परफ्यूज होकर आपके फिंगर टिप पे आ रहा है वो यहाँ पे, ये पल्सेशन है आपका कंटिन्यूसली जो चलता रहता है, ये आपकी हार्ट बीट है, ठीक है। और यहाँ पे जो रेस्पिरेशन दिखा हुआ है 25 बोले तो एक मिनट में मैंने 25 बार ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल, मतलब सांस को जो अपन लेते हैं वो। तो कुछ हिसाब से इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो ऐसा है। तो जैसा कि आप जानते हैं, मेरा जो सब्जेक्ट है वो इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस में पढ़ाता हूँ, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में पढ़ाता हूँ, और जब मुझे भी थोड़ी सी इंटरेस्ट क्यूरियोसिटी हुई कि ये वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या है, एक्चुअली ये कैसे काम करता है, जब मैंने थोड़ा बहुत सर्च किया तो मुझे लगा कि ये बहुत ही अच्छी जानकारी मुझे मिली, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने कहा क्यों ना ये इसको शेयर किया जाए, क्योंकि बीयर्स लैम्बर्ट लॉ जो है हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं और उसी लगभग वर्किंग प्रिंसिपल्स में ये भी काम कर सकता है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये नॉलेज, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताएं कमेंट में, और अच्छा लगा तो शेयर जरूर करें, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और मैं बताना चाहूँगा कि इस ऑक्सीमीटर के रिलेटेड कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके रिगार्डिंग जितना भी डिस्प्ले पे क्या कुछ दिख रहा है वो आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।